हेलो दोस्तों, फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की इस नए वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ 10 रुपये बिक्री राजभोग नमकीन का होलसेल प्राइस। तो गाइस, फिर लेके आया हूँ मैं आप सबके लिए ज़्यादा प्रॉफिट वाला प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल होती है ये नमकीन, राजभोग नमकीन। गाइस, इसमें बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं, बहुत तरह की नमकीनें हैं, जो कि गाइस हमें ये होलसेल रेट कितने पड़ा है। अगर आप भी किराना दुकानदार हैं, अगर आप भी रखते हैं राजभोग नमकीन 10 रुपये बिक्री, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कितना पड़ता है होलसेल रेट और आपको कितना फ़ायदा होता है ये 10 रुपये बिक्री राजभोग नमकीन सेल करने पे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप मेरी वीडियो पर नए हो या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 10 रुपये बिक्री राजभोग नमकीन का होलसेल प्राइस क्या है और हमें ये कितने पड़ा है होलसेल रेट और हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा ये 10 रुपये बिक्री राजभोग नमकीन सेल करने पर। आप देख सकते हैं ये एक क्वालिटी हो गई 10 रुपये राजभोग नमकीन, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होती है और अच्छा मुनाफा होता है हम रिटेलर दुकानदार को। गाइस, आप देख सकते हैं इसमें कई तरह का नमकीन है। ये सीओ नमकीन है जो कि मिक्स है। गाइस, इसमें बहुत तरह की नमकीनें हैं जो कि हम किराना दुकानदार को अच्छा मुनाफा होता है, क्योंकि राजभोग नमकीन बहुत बेस्ट होता है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है ये नमकीन। मैं आप सबको हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ लीजिए, क्वांटिटी में लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप बिजनेस की हो तो क्वांटिटी बढ़ाइए, पैसा लगाइए, तब आप समझेंगे कि बिजनेस क्या होता है। आप क्वांटिटी माल लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा मुनाफा होगा। गाइस, यही राजभोग नमकीन 10 रुपये बिक्री, अगर मैं 10 पैकेट लेता या 15 पैकेट लेता तो उतना प्रॉफिट हमको नहीं होता। बट गाइस, मैंने ये साथ में लिया हुआ है 25 पैकेट का एक थैला होता है, तो गाइस मैंने 2 थैला लिया हुआ है, डायरेक्ट लिया हुआ है। तो गाइस, हमें काफ़ी सस्ता पड़ा है और काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा हमें सेल करने पर, क्योंकि हर घरों में जाता है ये नमकीन, वो नमकीन, चाहे कोई भी नमकीन हो 10 रुपये नमकीन बहुत ज़्यादा सेल होता है। और देखिए, किराना दुकान में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो 10 रुपये बिक्री में बहुत कम मुनाफा मिलता है, जैसे कि 2 रुपये मिलता है, 2.5 रुपये मिलता है। बट गाइस, मैं आपको ये राजभोग नमकीन 10 रुपये बिक्री में, गाइस आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा ये राजभोग नमकीन 10 रुपये बिक्री सेल करने पर। गाइस, ये मैंने 2 थैला लिया हुआ है, क्योंकि मैं जब भी लेता हूँ क्वान्टिटी माल लेता हूँ, क्योंकि पैसा तो लगता है बट गाइस मुनाफा भी अच्छा होता है, अच्छा फ़ायदा भी होता है। तो जहाँ तक हो सके आप क्वांटिटी में माल लीजिए, क्योंकि देखिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट की बात बता रहा हूँ आपको कि अगर आप कोई भी चीज़ क्वांटिटी में लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब ऐसे ही अगर आप सेल करेंगे तो आपको, यानी कि हर नमकीन से कहीं ज़्यादा आपको प्रॉफिट इसमें दिखेगा, पैसा यानी कि मुनाफा ज़्यादा होगा, आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो गाइस, आप यही चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, यानी जितना क्वांटिटी में माल लेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप ये 10 पैकेट 15 पैकेट अगर लेते हैं मार्केट से तो आपको उतना मुनाफा नहीं होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये राजभोग नमकीन 10 रुपये बिक्री हमें कितने पड़ी है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये राजभोग नमकीन 10 रुपये बिक्री हमें मात्र पड़ी है, ये एक पैकेट 6.80 रुपये पड़ा है, जो कि काफ़ी सस्ता में पड़ा है। अब गाइस, इसकी बिक्री रेट की बात करें तो गाइस ये इसकी बिक्री रेट है 10 रुपये। अब गाइस, अगर आप 10 रुपये में से अगर आप माइनस करेंगे 6.80 रुपये, तो गाइस आपको एक पैकेट सेल करने में 3.20 रुपये फ़ायदा होगा, यानी एक पैकेट सेल करने पर इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको कोई नमकीन में नहीं दिखेगा। अब गाइस, 3.20 रुपये से अगर आप बुरा करेंगे 50, जो कि गाइस ये मैंने 50 पैकेट लिया हुआ है 2 थैला, तो गाइस हमें सीधा सीधा 160 रुपये फ़ायदा होगा, यानी कि बहुत अच्छा खासा हमें फ़ायदा होगा। तो गाइस, कोई भी प्रोडक्ट हुआ, आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे है ना, तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, अच्छा फ़ायदा भी होगा। तो गाइस, आपके यहाँ 10 रुपये बिक्री राजभोग नमकीन क्या रेट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से बताई गई जानकारी से आप सहमत होंगे। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।